जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के जीव विज्ञान, का चैप्टर नंबर 6 खाद्य संसाधन पशु, चैप्टर नंबर 6 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर का पार्ट वन वीडियो रहेगा इस वीडियो, क्योंकि जो है क्लास 9 का सिलेबस खत्म करने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभों का विवरण दे। चलिए तो इसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए इसका आंसर होगा कि पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। ये आपका हो गया पशुपालन की परिभाषा। और इसमें जो है कि बोला गया था कि पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभ क्या है और उसका विवरण देना है। तो देखिए यहाँ से लिखिए आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का विशेष महत्व है, ठीक है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में, ठीक है, पशुपालन का 28 से 30% योगदान सराहनीय है, जिसमें जो है दुग्ध एक ऐसा उत्पाद है जो सर्वाधिक है। दूध उत्पादन, इसमें जो है दूध उत्पादन होता है, ठीक है, और इसमें यह सबसे ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। और इसके बाद यह आपका होगा, देखिए यहाँ से आप लिखिएगा कि पशुपालन की सहायता से दूध उत्पादन, ठीक है, मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन तथा ऊन उत्पादन में वृद्धि लाई जा सकती है। ये सब किससे होता है? पशुपालन की सहायता से जो है दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन तथा ऊन उत्पादन में वृद्धि लाई जा सकती है, ठीक है। ये आपका था पहला नंबर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से आप लोग लिखिएगा कि अधिक अंडे और मांस के उत्पादन हेतु मुर्गी पालन में कैसे सुधार लाया जा सकता है, वर्णन करें। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर देखने से पहले अब हम आप लोग को बता दें कि अगर आप क्लास 9 का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम क्लास 9 का लगातार वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी किसी भी चैप्टर और किसी भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा कि अधिक अंडे एवं मांस हेतु, ठीक है, देसी नस्ल की मुर्गियों का प्रजनन उच्च नस्ल की विदेशी प्रजाति से कराकर इच्छित गुणों वाली मुर्गियां प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है, इच्छित गुण वाली मुर्गियां प्राप्त करनी चाहिए। और यहाँ देखिए कि ऐसी मुर्गियों का केवल शरीर की वृद्धि दर की तेजी नहीं होता बल्कि इनमें ज़्यादा मांस उत्पादन भी मिलता है, और ऐसी मुर्गियां बड़े आकार की ज़्यादा संख्या में अंडे भी देता है। तो इसमें प्रश्न में बोला गया था कि अधिक अंडे एवं मांस है तो जो है मुर्गियों में कैसे सुधार लाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि देखिए अंडे भी देता है, और ये जो मुर्गियाँ होता है संकर नस्ल की मुर्गियाँ हैं जो शीघ्र परिपक्व हो जाती है तथा उनकी मृत्यु दर भी कम है, ठीक है। अतः संकर नस्ल की मुर्गियाँ विकसित करना और करना चाहिए आर्थिक दृष्टिकोण से जो है ज़्यादा लाभदायक है। मुर्गियों में मुर्गी पालन में जो है सुधार लाया जा सकता है कि संकर नस्ल की मुर्गियाँ का जो है पालन करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि पालतू पशुओं की आवास क्या क्या, आवास की जो विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। पालतू पशुओं की आवास यानी उसका जो है रहने सहने का जो घर होता है उसका विशेषता क्या होना चाहिए। इसका आंसर लिखना है आपको कि पशुधनों के लिए उचित आवास होना आवश्यक है, सबसे पहला बात। और आवास जो है स्वच्छ, सूखा तथा हवादार होनी चाहिए। हवादार का मतलब होता है उसमें हवा प्रवेश करे, ठीक है। और देखिए आवास का इस तरह का होना चाहिए, आवास जो है यानी उसका घर जो है इस तरह होना चाहिए कि पशुधनों को प्रतिकूल मौसम जैसे वर्षा, कड़ी धूप तथा अत्यधिक ठंड से सुरक्षा
मिले। ठीक है, और अगला है कि आवास का प्रबंध इस प्रकार होना चाहिए कि वह पशुधनों को रोग उत्पन्न करने वाले जीवों तथा भक्षकों से सुरक्षित रखे। यानी वहाँ पर जो जीवाणु होता है, कीटाणु बैक्टीरिया सब, उससे सुरक्षित मिले ऐसा जगह होना चाहिए। ठीक है, आवास का फर्श पक्की होना चाहिए, क्योंकि कच्ची फर्श में पूरा गंदगी नीचे बैठ जाता है एवं उसके मल मूत्र तथा अन्य गंदगी का निकास की व्यवस्था होना चाहिए। उसका जो मल मूत्र होता है और उसका गंदगी अन्य गंदगी का निकास होना चाहिए। नहीं निकास रहेगा तो वहीं पर वह सड़ गल जाएगा, जो कि पशुधनों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर चार है कि विभिन्न पशुओं के रोगों के वाला लक्षण एवं उनके नियंत्रण के विभिन्न उपायों का विवरण दें। यानी पशुओं में होने वाले रोग और उसका क्या लक्षण है, उसका लक्षण भी लिखना है। ठीक है, उसका लक्षण भी लिखना है और उसका क्या उपाय है ठीक करने के लिए, नियंत्रण के लिए। चलिए देखते हैं, तो आप लोग यहाँ से लिखिएगा कि देखिए सबसे पहले पशुओं में होने वाले रोग निम्नलिखित है, यहाँ तक लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ से लिखिए खुर और मुंह के रोग, ये आपका पहला रोग है, खुर और मुंह के रोग। अरे इसका लक्षण क्या है, देखिए आप लोग, खुर और मुंह में छाले अधिक, लार बनना, भोजन की ललक घटना, ये है खुर और मुंह के रोग का लक्षण है। ठीक है, अब हम अगला रोग के बारे देखते हैं, चेचक। चेचक एक ऐसा रोग है जो मनुष्य में भी होता है और पशु में भी होता है, और इसका लक्षण है कि शरीर पर छोटे छोटे दाने, ठीक है, एवं उच्च ज्वर यानी बुखार होने से चेचक का पता चलता है। और अगला रोग के श्रेणी में क्षय रोग को रखा गया। इसका लक्षण है कि थन, आंत, फेफड़ा संक्रमित यानी ग्रसित हो जाता है और ज्वर यानी बुखार भी। अगला रोग है एंथ्रेक्स। इसका लक्षण होगा आपका शरीर का फूलना, बुखार, दूध में कमी। यानी इस तरह का कोई भी लक्षण दिखे, शरीर का फूलना, बुखार या दूध में कमी, तो आप लोग समझिएगा कि एंथ्रेक्स रोग हुआ है। और अगला रोग है इसका रिंग वर्म। और इसका लक्षण है, सबसे पहला लक्षण और एक ही लक्षण है, खुजली। क्या है, खुजली है, रिंग वर्म। ठीक है, और इस तरह के रोग का कुछ नियंत्रण भी होता है। ठीक है, तो उस नियंत्रण को देखते हैं कि इस तरह रोग को एक ही नियंत्रण से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो रोग के नियंत्रण लिखना है आपको, यहाँ लिखना है कि पशुओं की आवास को साफ सुथरा बनाकर बहुत सी बीमारियों का नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, और समय समय पर पशुओं के शरीर की सफाई एवं टीका भी करवाना चाहिए और पशुओं को संतुलित आहार भी देना चाहिए। इस तरह के कुछ उपाय है, यानी इस तरह के कुछ नियंत्रण है, इसे देने से पशुओं में रोग नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अच्छे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5, और यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, और बाकी के क्वेश्चन जो रहेगा तो पार्ट 2 वीडियो में लेकर 6 से लेकर 10 तक उस क्वेश्चन का बता देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते, देखिए 5 है और यह लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कृत्रिम वीर्य सेचन क्या है, इन्हें किन किन तरीकों यानी चरणों में पूरा किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन। देखिए यहाँ से लिखना है, कृत्रिम विधि से वीर्य को मादा के योनि में प्रविष्ट कराना कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है। कृत्रिम, और यहाँ से आप लोग लिखिएगा कि कृत्रिम वीर्य सेचन पूरा करने में निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला आपका होगा, पहला चरण है कि वीर्य का संचयन। ठीक है, उत्तम गुणों वाले उन्नत नस्ल के एक नर पशु को कृत्रिम तरीके से उत्तेजित कर उसके वीर्य का संचय किया जाता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है और
दूसरा स्टेप में आया कि वीर्य का परिरक्षण, संचित वीर्य को अत्यंत ठंडा तथा ठंडा जगह पर रखा जाता है तापक्रम पर, या फिर इन्हें रासायनिक विधि से परिरक्षित किया जाता है। ये आपका सेकंड स्टेप। और इसका लास्ट स्टेप देखते हैं, निषेचन के लिए पशु को प्रविष्ट करना। ठीक है, परिरक्षित वीर्य को चयन किए गए मादा के योनि में सुई के द्वारा प्रविष्ट कराकर मादा के अंडे को निषेचित किया जाता है। ये आपका जो है कृत्रिम वीर्य सेचन को पूरा इस तरीकों से किया जाता है। इसका प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होता है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में।